Hello student, I am Rupesh Kumar Gaur, lecturer in Mechanical Engineering Department, Government RC Khetan Polytechnic College, Jaipur. आज जो हम बात करेंगे वो है हमारे स्ट्रेन एंड स्ट्रेन की कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में. तो स्टार्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फर्स्ट. अ रॉड 150 mm लॉन्ग एंड अ डायामीटर 2 cm is subjected to a axle pull of 20 kN if the modulus of elasticity of a material of the rod is 2×10⁵ N/mm², then determine the stress, the strain and the elongation of the rod. Okay, stress जो होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ गिवन है. L गिवन है, डेट इज़ 150 cm. डी गिवन है 2 cm. ए गिवन है, एरिया हम निकाल लेंगे डी से, डेट इज़ 5/4 D² देन उसके बाद में हो जाएगा हमारा पी. हमको गिवन है पी, हमारा गिवन है 20 kN, डेट इज़ 20,000 N. ई हमारा गिवन है हमको 2.1×10⁵ N/mm². ठीक है, अब सबसे पहले हमको निकालना है स्ट्रेस. स्ट्रेस हमारा होता है सिग्मा इज इक्वल टू लोड पर यूनिट एरिया. ठीक है, तो लोड हमको जो पी है जो गिवन है दैट इज़ 20,000 और एरिया हमने निकाल लिया दैट इज़ 100 πmm². ठीक है, इसको वैल्यू पुट करने के बाद में हमारे पास जो आंसर निकला वो ये निकला, दैट इज 63.662 N/mm². इसी तरह से सेकेंड हमसे पूछा गया है स्ट्रेन. स्ट्रेन होता है हमारा, अगर हम देखें तो क्योंकि यहाँ पर हमें कौन कौन से वैल्यूज़ गिवन है, हमारे पास में गिवन से वैल्यू इलास्टिसिटी हमको गिवन है. ठीक है, दैट इज ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सॉरी जो हमको सिग्मा हमारा गिवन है और हमारा ई गिवन है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. ठीक है, तो जो हमारा होता है दैट इज, अभी जो हम निकालेंगे दैट इज स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन से हम इसका वैल्यूज निकालेंगे. स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस हो जाता है हमारा ई अपॉन ई. ठीक है, तो ई हो जाएगा हमारे पास में दैट इज सिग्मा अपॉन ई. सिग्मा हमने निकाल लिया था लास्ट जो हमने कैलकुलेशन की थी उससे, ई हमारे पास में है. तो इन दोनों का वैल्यू पुट करने के बाद में जो हमारे पास में आंसर मिला दैट इज 0.000318. इसी की तरह से एलोंगेशन, एलोंगेशन क्या होगा हमारे पास में डेल एल, क्या होगा हमारे पास में डेल एल या डी एल, ये होता है हमारे पास में. स्ट्रेन का क्या फॉर्मूला होता है दैट इज ई इज इक्वल टू डेल एल अपॉन एल. ई हमको मिल गया लास्ट फॉर्म, लास्ट जो हमने कैलकुलेशन करी है उससे. ठीक है, एल हमारे पास में गिवन है डेट इज़ 120 cm लॉन्ग, हमें निकालना है डेल एल. ठीक है, तो डेल एल निकालने के लिए हमने ई का वैल्यू रख दिया डेट इज़ 0. सो तो एलोमिनेशन हो जाएगा हमारा डेल एल इज इक्वल टू ए इंटू एल, तो वो हो जाएगा हमारे पास में दैट इज़ 0.000318×150. ओके, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास में 0.0477 cm. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम डायमीटर ऑफ ए स्टील वायर विच इज़ यूज टू रेज अ लोड ऑफ 4000 N if the stress in the rod is not exceed to 95 MN/m². okay, given है हमको load है that is P, वो है हमारे पास में 4000 N, sigma है हमारे पास में 95 MN/m², तो इसको जब हम न्यूटन के अंदर चेंज करेंगे तो मेगा हो जाएगा हमारा 10⁶, न्यूटन हमारा जो नीचे है
वो है हमारा mm स्क्वायर, तो इसके अंदर ये अगर इसको mm में चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा हमारा 10^6, 10^6 से 10^6 कैंसिल, तो हो जाएगा हमारे पास में 95 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, देन डायमीटर ऑफ वायर हमारे पास में हमें निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसको, हमको स्ट्रेस गिवन है, लोड पर यूनिट एरिया से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर ए हो जाएगा हमारे पास में पाई बाय 4 डी स्क्वायर। ठीक है, स्ट्रेस का वैल्यू हमको गिवन है दैट इज़ 95 एंड 4000 हमारे पास में गिवन है लोड का वैल्यू। सबकी वैल्यूज पुट करने के बाद में जो हमारे पास में डी आएगा वो आएगा हमारे पास में 53.61 डी स्क्वायर, और जब उसका रूट निकाल लेंगे हम तो वो आ जाएगा हमारे पास में 7.23 mm। इस तरह से हम डायमीटर निकाल लेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बार ऑफ वेरिंग सेक्शन, एक बार ऐसा जिसका जो सेक्शन है लाइक जैसे हमारे फिगर के अंदर गिवन है, फिगर के अंदर गिवन है कि इसके अंदर डिफरेंट 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 डायमीटर के हमारे पास में सेक्शन है, तो इस केस के अंदर जो टोटल एक्सटेंशन ऑफ बार हो जाती है, टोटल लैमिनेशन हो जाती है, वो इस केस में हमारा जो डी एल हो जाएगा वो होगा हमारे पास में डेल एल इज इक्वल टू डेल वन प्लस डेल टू प्लस डेल थ्री। ओके, और डेल एल हमको पता ही है जो हम निकालते हैं दैट इज उसे निकालते हैं स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन से तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास में दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू वन ई। ई हमारे पास में क्या है स्मॉल ई दैट इज डेल एल अपॉन एल। ठीक है, और स्ट्रेस हो जाएगा हमारे पास में पी अपॉन एरिया, इससे डेल एल जो हमारे पास में आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास में पी एल अपॉन ए ई। ठीक है, इस तरह से हम इंडिविजुअल बार का कैलकुलेट करने के बाद में डेल एल को हम क्या कर देंगे, तीनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद में जो हमारे पास में टोटल आएगा वो आ जाएगा हमारे पास में डेल एल। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम। एक्सेल पुल ऑफ 3000 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन ए बार कंसिस्ट ऑफ ए थ्री लाइन एज शोन इन फिगर, इफ द यंग मॉडुलस इज 2.1 × 10^5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, डिटरमाइन स्ट्रेस इन ईच सेक्शन, हर सेक्शन के अंदर हमको स्ट्रेस निकालना है, एंड टोटल एक्सटेंशन ऑफ द बार दैट इज डेल एल। हम कैलकुलेट करते हैं अब ये क्वेश्चन, इस तरह से हमारा ये डायग्राम एक बार देख लीजिए, देन उसके बाद में चलते हैं। एक्सेल पुल पी हमको गिवन है दैट इज 35,000 न्यूटन। एल वन जो हमको गिवन है सेक्शन वन का, वो गिवन है हमको 20 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा ऐसा एम एम में चेंज कर लेंगे इसको दैट इज 200 mm। ठीक है, लेन हो गया, डायामीटर है हमारा 2 सेंटीमीटर, mm में चेंज करेंगे 20 mm। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा इस सेक्शन का दैट इज़ पाई बाय 4 डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 πmm स्क्वायर। लेंथ क्या हो जाएगा सेकेंड सेक्शन का दैट इज़ L2, वो है हमारे पास में 25 सेंटीमीटर। ठीक है, mm में चेंज किया 250 mm। डायामीटर ऑफ द सेक्शन 3 सेंटीमीटर, जो हो जाएगा हमारे पास में 30 mm। के एरिया क्या हो जाएगा इसका A2 दैट इज़ पाई बाय 4 डी स्क्वायर, ये हो जाएगा 225 πmm स्क्वायर। इसी तरह से
थर का जो निकालेंगे हम एल थ्री 22 सेंटीमीटर, तो 22 mm हो जाएगा। देन डी थ्री हो जाएगा हमारे पास में 5 सेंटीमीटर, हो जाएगा हमारे पास में 50 mm। एरिया निकाल लिया हमने। नेक्स्ट थर्ड का भी 30 हो जाएगा पाई बाय 4 डी थ्री क्यूब, तो ये हो जाएगा 625 πmm स्क्वायर। यंग मॉडल हमको गिवन है 2.1 × 10⁵ N·m². तो स्ट्रेस इन ईच सेक्शन कैसे निकालेंगे हम, दैट इज सिग्मा वन हो जाएगा हमारे पास में लोड पर यूनिट एरिया। ठीक है, लोड हमको गिवन है सभी के अंदर, एरिया हमने निकाल लिया है, तो डिक्लेयर सिग्मा वन सिग्मा टू एंड सिग्मा थ्री हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। दैट इज सिग्मा वन जो हमारे पास में आया, हमारा आया 111 N·m². ठीक है, देन सिग्मा टू हमारे पास में आया 49.5146 N·m², देन सिग्मा थ्री हमारे पास में आया है दैट इज 17.825 N·m². तो टोटल एलोमिनेशन जैसे कि हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, डेट इज क्या होनी चाहिए हमारे पास में, डेल इज इक्वल टू डेल वन प्लस डेल टू प्लस डेल थ्री। अब इस वाले इक्वेशन के अंदर हम देखेंगे कि हमारा जो पी है वो सब में सेम है, ठीक है, ई है वो सब में सेम है, तो पी एंड ई को हमने बाहर ले लिया। देन उसके बाद में ये फॉर्मूला हमारे पास में आ गया। देन उसके बाद में हमने सारा वैल्यू उसको पुट करा। एल हमको गिवन है सब में, ए हमने निकाल लिया है, ए वन ए टू ए थ्री निकाल लिया है, एल वन ए टू हमको गिवन है, पी हमको गिवन है, ई हमको गिवन है। सारी वैल्यू पुट करने के बाद में जो हमारे पास में आंसर निकला वो निकला है 0.83 mm। तो टोटल एलोमिनेशन जो हमारे पास में आया दैट इज 0.83 mm। तो स्टूडेंट इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट सेक्शन के बार के इस बार के कैलकुलेशन। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं ये न्यूमेरिकल। तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ में आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच।